हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ इज सिल्क ऑब्टेन्ड। सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। ये एक एनिमल फाइबर है और द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब हम यहाँ पर एक स्टोरी देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि सिल्क का डिस्कवरी कैसे हुआ। द डिस्कवरी ऑफ सिल्क टुक प्लेस इन चाइना। अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज लेजेंड, अ चाइनीज एम्प्रेस सी लुंगची वॉज अपसेट ओवर द डैमेज लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री। मतलब जो मलबरी ट्रीज की जो लीव्स थी उनकी डैमेज लीव्स को वो देखकर अपसेट थी, तो उन्होंने एम्परर से पूछा वांग टी टू फाइंड द रीजन फॉर द डैमेज। उन्होंने बोला कि इस ये जो लीव्स डैमेज है इसका पता लगाइए आप। तो उसे उसे पता चला, एम्प्रेस को पता चला कि कुछ वाइट वॉर्म्स हैं जो लीव्स को खा गए हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दीज वॉर्म्स वर स्पिनिंग शाइनी कोकून्स टू कवर देमसेल्फ। ठीक है, और उसको ये भी पता चला कि ये जो वॉर्म्स थे वो शाइनी कोकून्स अपने आप को कवर करने के लिए फॉर्म कर रहे थे। और एक्सीडेंटली एक दिन एक कोकून जो है वो उनके टी कप में गिर गया और डेलिकेट थ्रेड्स जो थे सिल्क के वो अनटैंगल्ड हो गए। अनटैंगल्ड मतलब वो खुल गए, ओपन हो गए। तो इस तरीके से सिल्क इंडस्ट्री जो थी वो चाइना में शुरू हुई और कई टाइम तक ये क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रहा चाइना का। अब हम एक वीडियो के थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म को देखेंगे। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट सिल्क वर्म्स। द लाइफ ऑफ अ सिल्क वर्म स्टार्ट्स व्हेन अ फीमेल मॉथ लेज एग्स ऑन मलबेरी लीव्स। आफ्टर सम टाइम दीज एग्स हैच इनटू लार्वे। नाउ व्हाट आर दीज लार्वे नोन एज? एनी गेसेस? राइट, these larvae are known as caterpillars or silkworms. Slowly, these caterpillars grow in size by feeding only on the mulberry leaves. The next stage in the life cycle of a silkworm is pupa. When the caterpillar has grown large enough, it starts weaving a net around itself so that it can easily hold itself in that net. It now secretes a fiber made of protein, which solidifies and hardens when exposed to air for some duration of time. This is known as the silk fiber. Caterpillars continue to spin silk fiber till they get completely covered by them. This silk covering in which a silkworm covers itself is known as a cocoon. Further development of silkworm takes place inside the cocoon. After some time, the pupa enters the adult stage and emerges out of the cocoon as a moth. The entire process thus continues and is known as the life cycle of a silkworm. अब हम देखेंगे इस वीडियो के बाद में, अब इसको हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है एक सिल्क मॉथ की। फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो सबसे पहले एग्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम वेयर लार्वा एमर्ज, मतलब एग से लार्वा का फॉर्मेशन होता है और इन लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वर्म्स। अब बिफोर एंटरिंग इनटू इट्स नेक्स्ट स्टेज, ये जो प्यूपा है तो ये सिल्क एक नेट को बुनता है ये, ताकि वो अपने आप को होल्ड कर सके। इसके हेड का जो मूवमेंट है वो एक फाइबर सेक्रीट करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है और जो कि एयर के प्रेजेंस में हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब कैटरपिलर एक अपने ऊपर कवरिंग डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं कोकून। वो कवरिंग जो है वो सिल्क फाइबर्स की होती है जिसकी वजह से जो प्यूपा है वो प्रोटेक्टेड रहता है। और फर्दर डेवलपमेंट में प्यूपा जो है वो मॉथ में कोकून के अंदर ही डेवलप हो जाता है और एडल्ट सिल्क मॉथ जो है वो कोकून से बाहर आ जाता है।
इस डायग्राम से हम समझ लेंगे इनके लाइफ साइकिल को। तो ये फीमेल मॉथ है जो एग को इसने ले किया है मलबरी लीव्स के ऊपर। अब इन एग से लार्वा का फॉर्मेशन होगा, लार्वा से प्यूपा का फॉर्मेशन होगा और प्यूपा से फिर एडल्ट सिल्क मॉथ का फॉर्मेशन होगा। टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क क्लोथ बनाने में यूज आते हैं। सिल्क थ्रेड हमें कोकून, जो कि सिल्क मॉथ का कोकून होता है, वहाँ से ऑब्टेन होता है। और वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ से डिफरेंट वैरायटी के सिल्क ऑब्टेन होते हैं। कुछ कोर्स हो सकते हैं, सिल्की हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क जो है वो टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लश्चरस एंड इलास्टिक। अब दो टाइप का सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। नेचुरल सिल्क जो सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है और प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा है आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम रेयॉन कहते हैं। ये वुड पल्प से मिलता है हमें, वुड पल्प के मॉडिफिकेशन से मिलता है। अब वुड पल्प में क्या रहता है, सेलुलोज रहता है, ठीक है। और एक सॉफ्ट सिल्क यार्न जो है वो एक थ्रेड ऑफ स्टील से भी स्ट्रांग होता है। अब कोकून से सिल्क कैसे मिलता है, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो लेसन में पढ़ा था कि शीप से हमें वूल मिलता है, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ स्टेप्स हैं। इनको भी हम मॉथ्स को भी क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं और उसके बाद में वहाँ से उनके कोकून से सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन करते हैं। देखिए सिल्क वॉर्म का, सिल्क मॉथ्स का रियरिंग कैसे। फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, ओके। दीज एग्स आर स्टोर्ड ऑन क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। द फार्मर्स कीप दीज एग्स अंडर हाइजेनिक एंड अप्रोप्रिएट कंडीशंस। नेक्स्ट द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो फीमेल मॉथ है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक बार में प्रोड्यूस करती है। अब इन एग्स को क्लोथ पे स्टोर करके या पेपर पे स्टोर करके सिल्क वॉर्म फार्मर्स को सोल्ड कर दिया जाता है, और जो फार्मर्स हैं वो इसको हाइजेनिक और अप्रोप्रिएट कंडीशंस में रखते हैं। एग्स को वार्म किया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जो एग्स हैं वो हैच होकर लार्वा प्रोड्यूस करें। ये लार्वा जो है मलबरी लीव्स पर फीड करते हैं, और इनको बैम्बू, क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाता है, और ये अपने, इनके साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। 25 से 30 डेज में कैटरपिलर्स को एक टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू में मूव कर दिया जाता है, जहाँ पर ये कोकून को स्पिन करते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन ट्रेज फॉर कोकून्स टू गेट अटैच। अब इस जो ये बैम्बू टाइनी चैम्बर है बैम्बू ट्रे के अंदर, उसमें स्मॉल रैक्स बना दी जाती हैं या ट्विग्स बना दी जाती हैं, टहनियाँ बना दी जाती हैं, जिसमें कि कोकून जो है अपने आप को उससे अटैच कर सकें। अब जो कैटरपिलर है या सिल्क वॉर्म है वो कोकून के अंदर डेवलप होगा और सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होगा। अब हम प्रोसेसिंग देखते हैं। कोकून्स जो है उन्हें अंडर द सन बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम रखा जाता है। दिस हेल्प्स इन सेपरेटिंग आउट सिल्क फाइबर्स। इसकी वजह से क्या होता है, कोकून से सिल्क फाइबर अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस बाय विच सिल्क थ्रेड आर सेपरेटेड फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। इसके बाद में स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स इनटू थ्रेड इज डन। नेक्स्ट स्टेप, सिल्क थ्रेड्स ऑब्टेंड आर वोवन इनटू डिजायर्ड क्लोथ्स।